मेरा नॉन वेज है और आप जो उधर से आप आए वो मेरा एकदम प्योर वेज खाना, वहाँ प्योर वेज है और ये okay. दुकान है मेरा जय माता रा का या नॉन वेज। आज आपका बुधवार है, बुधवार के लिए एकदम स्पेशल स्पेशल रियाजी मटन है वाला और ये लाइफ में अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट में खाए होंगे, अच्छा अच्छा स्ट्रीट फूड में खाए होंगे, ये मेरा चैलेंज है जो मटन कभी ऐसा कभी आपको मिला। मम्मी को इतना पसंद आया वो आपका वो पनीर का था, जी को मेरा नमस्कार बोलिए। थैंक यू दादा। अब थोड़ा सा मुंह में डालिए, आलू झुरझुरी बोलता क्या? आलू झुरझुरी, आलू झुरझुरी थोड़ा एक बार खा के देखिए। अरे आपको आलू झुरझुरी क्रंची है और फुल फ्लेवर है, खूब भालो मटन तो 100% लाजवाब, 100% मटन होके देखने की बहुत बार सुख हुआ था। चलो बचा दो तो What's the name? My name is Atik Paul. Okay, very good. Jai Matara. Chicken kasha hai ya fish hai? ठीक है, वैरायटीज फीस इसमें मिलेगा आपको, देखिए किस्म का दो सब्जी है, दाल है, वेज दाल है ये वाला। ये आपका हो गया लाइट झोल जिसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा लाइट कोबिराजी झोल। आज का जो स्पेशल डिश है ये हो गया आपका गंगराज कतला। जय माता दी। और एक हम आप लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपका भी अनुरोध करते पड़ी, आजके हमारे दादा एसेंट बहु 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 दूर थे, एक बार ट्राई करूँ। आज के जेहेतु बुधवार हमार मटन कषा स्पेशल, दिस इज द नॉन वेज थाली, देखो कस्टमाররা বলে স্পেশাল, সেই কারণে মটন কষাটা বা ফিশ এক কারি যাই ইচ্ছে হোক না কেন যদি ইচ্ছে থাকে একবার ট্রাই করে যাবেন। ওনাদের জন্য লাইক করবেন একটুখানি, একটু সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভালো থাকবেন সবাই। থ্যাংক ইউ, জয় মা, থ্যাংক ইউ। এটা ফুলকপি আলু পোস্ত আছে, এটা ফুলকপি বন্ধু চাটনি দেবেন। गाइस सो फ्रेंडली हम लोग यहाँ आ गए दादा के साथ फिर दोबारा सेकंड वीडियो करने के लिए। फर्स्ट वीडियो हम लोग किए थे ऑलरेडी, यहाँ पर आके वेज किए थे हम लोग, इनका वेज दुकान का है और डेकेंस लेन में हम लोग हैं, बहुत बिजी है। अच्छा और ये दादा है यहाँ पर, देखो आज हम आए सेकंड टाइम ट्राई करने के, इनका नॉन वेज, इनका दो दुकान है, एक वेज है एक नॉन वेज, तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है आपका वेज का, आप अगर मिस करके तो वीडियो चेक के लिए ऊपर में दिखाएगा डिस्क्रिप्शन, क्लिक करके देख लें। और दिस इज माय सेकंड वीडियो फॉर नॉन वेज, आई एम गोइंग टू हैव ट्राई नॉन वेज टुडे। और दादा एंड दिस इज सन, दादा एकदम व्हाट्स द नेम? माय नेम इज सात्विक पॉल। ओके वेरी गुड, दादा जय माता रा। चले चलो गाइस चलते हैं, इनका नॉन वेज ट्राई करते हैं, नॉन वेज। हमारे साथ दूसरे ब्लॉगर्स भी आ रहे, देखो हम सब ब्लॉगर्स चल रहे हैं एक साथ। ये दादा का फादर है, नमस्कार दादा। जय माता दी। दादा ये आपका नॉन वेज है जी? ये मेरा नॉन वेज है और आप जो उधर से आप आए वो मेरा एकदम प्योर वेज खाना, वहाँ प्योर वेज है और ये okay. दुकान है मेरा जय माता का या नॉन वेज। अच्छा क्या क्या स्पेशल दादा, क्या क्या स्पेशल? आज आपका बुधवार है, बुधवार के लिए एकदम स्पेशल मैंने उधर रखा हुआ है, मटन ही है, दिखा दीजिए मटन एक बार, देखा मिस करके दिखा सकते हैं अच्छा वाह स्पेशल रियाजी मटन है वाला और ये चिकन कसा है या फिश है? ठीक है, वैरायटीज फिश इसमें मिलेगा आपको, देखिए किस्म का सब्जी है वो सभी भी वहाँ पर है, दो सब्जी है, दाल है, वेज दाल है ये वाला। अच्छा वो वेज दाल है, ये वेज दाल है, दो सब्जी है और एक करी है, ये आपका हो गया लाइट झोल जिसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा लाइट कोबिराजी झोल। और एक स्पेशल है जो आपका, और एक आज का जो स्पेशल डिश है ये हो गया आपका गंदराज कतला। तो आज हम ट्राई करेंगे डिश आपका, आपका मिक्स प्लेट में क्या क्या दादा आता है पूरा एक स्टार्टर में? क्या बोले आपको सेलेक्ट करना पड़ता है सब्जी क्या? मैंने आपका इच्छा, ठीक है आप तो आपका तरफ से क्या जाना चाहिए एक प्लेट? देखिए मेरा एक प्लेट में जाएगा आपका चावल जाएगा, ठीक है, ये तो चिप्स आलू मतलब आलू भाजी जो बोला जाता है एकदम मतलब क्रंची जो है वो वाला आलू भुजिया रहेगा, ठीक है, एक कोई भी एक तो सब्जी रहेगा चाहे आपका पसंद सब्जी है वेज दाल है, ठीक है, आपका वेज थाली हो गया। उसके बाद आपका इच्छा नॉन वेज खाइए कुछ भी, उसमें नॉन वेज कर दीजिए, नॉन वेज मटन खाइए, चिकन खाइए, फिश खाइए, एक करी खाइए। मेरा मानिकता है, ये मेरा बड़ा भाई है। अच्छा बड़ा भाई है, बड़ा भाई है, नमस्कार दादा, हमको हेल्प करता है बहुत सारा, हेल्प करते हैं लोग सभी मेरा साथ ही हेल्प करते हैं माता। और एक हम आप लोगों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपका भी अनुरोध करते पड़ी, आज के हमारे दादा एसेंट बहु 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 दूर थे, जो अपना ভালো লেগে থাকে আর ভালো লাগার থেকে বড় কথা আপনারা এসে একবার ট্রাই করুন,
একবার আমি বলবো না যে দশ বার ট্রাই করুন, একবার ট্রাই করুন। আজকে যেহেতু বুধবার, আমার মটন কষা স্পেশাল, আমার কাছে স্পেশাল নয়, কাস্টমাররা বলে স্পেশাল, সেই কারণে মটন কষাটা বা ফিশ এগ কারি যাই ইচ্ছে হোক না কেন, যদি ইচ্ছে থাকে একবার ট্রাই করে যাবেন। আমাকে আমি শুনলাম এটা অনেক দূর থেকে এসছেন, যদি ভালো লাগে ওনাদের জন্য লাইক করবেন, একটুখানি একটু সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভালো থাকবেন সবাই। থ্যাংক ইউ, জয় মা। থ্যাংক ইউ। और ये आपका दादा का सेकंड शॉप, जैसे आप एंट्रेंस करेंगे वहाँ से, ठीक है, मेन रोड से आपको मिल जाएगा। राइट साइड में इनका नॉन वेज शॉप है, और यहीं से आप स्ट्रेट चले जाएं, सीधा यहाँ से वॉक करके चले जाएं, तो आपको मिल जाएगा इनका वेज शॉप ऑन द सेम लेन राइट साइड में। तो आज हम ट्राई करेंगे नॉन वेज और देखते कैसा टेस्ट इनका। वेनेसडे को बनता है इनका स्पेशल स्पेशल मटन बनता है इनका, तो खास करके मैं आऊँ इनका मटन ट्राई करने के लिए स्पेशल। आज क्या आपने आपने क्या ऑर्डर किया दादा? चिकन। चिकन कैसा? अच्छा काजू के मिले झारखंड से भी आके भैया लोग आके यूट्यूब करके जाते हैं, थोड़ा देखिएगा अच्छा लगे चाहे नहीं अच्छा लगे, किसी को भी को पसंद है तो हमारे पास एक थाली डाल दो, थाली और उसमें मटन और चिकन डाल दो। फिश मच्छी में, फिश में क्या कतला है ना, ठीक है डाल दो आप। एक मटन चिकन चिकन का डाल दो। हाँ दादा ये कौन सा फिश है? ডাল ফটাফট মেরা থালি হ্যাঁ। तो गाइस दिस इज द नॉन वेज थाली। देखो ये आपका नॉन वेज थाली, ये आपका है दाल, ये आपका टेंगरा माछ, ये आपका मटन, ये आपका कुछ आलू का कुछ सब्जी है, ये आपका ये भुजिया। हाँ बैठ के खाइए, जगह नहीं है ना, जगह नहीं है, जगह नहीं है। ऐसे करके कैसे खाइएगा मटन? आप चैलेंज करके, हम एकदम चैलेंज करके बोलते हैं, हमको पसंद है मटन बहुत। लाइफ में अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट में खाए होंगे, अच्छा अच्छा स्ट्रीट फूड में खाए होंगे, ये मेरा चैलेंज है जो मटन कभी ऐसा कभी आपको मिला। वाओ, ये मेरा चैलेंज है दादा, इतना बोल तुमको खाना है क्योंकि मेरा पसंद है। खा के देखिए उसके बाद हम तो दुकान पे जाएंगे, ठीक है दादा? जगह देखिए, बढ़िया होगा तो बढ़िया बोलिएगा, खराब होगा तो खराब। आपको जो मैं खाया वेज, मैं इनको बोला आपका वीडियो में अपलोड हो जाएगा जी, तो मैंने आपका वेज खाया, इतना पसंद आया, कल लेके गया मम्मी को, इतना पसंद आया वो आपका वो पनीर का था। अरे बाप, मेरा नमस्कार बोलिए। थैंक यू दादा। अभी इसका मैं प्रॉमिस किया कि मैं आऊँगा वेनेसडे को, और आज मैं आया ट्राई करने के लिए, और फिर आऊँगा दोस्तों के लिए। क्रंची जो पोटैटो फ्राई दे गए ना, इसमें आपको थोड़ा करी पत्ता मिलेगा, थोड़ा नारियल मिलेगा, और अच्छा। आप थोड़ा सा मुंह में डालिए, आलू झुर्जी बोलते क्या? आलू झुर्जी, आलू झुर्जी थोड़ा एक बार खा के देखिए, आपको मजा आ जाएगा। थोड़ा एक कोकोनट भी है, देखो कोकोनट भी है, कोकोनट का स्वाद है यार। और ये आपको आलू झुर्जी क्रंची है और फुल फ्लेवर है, करी पत्ता का फ्लेवर एकदम। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अभी। ओके तो ये है आपका टंगरा माछ, ये दाल, ये आलू झुर्जी, ये सब। आंटी अगर गलत बोल रहे हैं बता देना हमको, हाँ अगर मेरे को हमको नहीं मालूम है, मैं बंगाली में बात करेगा, टूटा फूटा है लेकिन बात करेगा। आलू भुजिया है ना? अच्छा ये क्या सब्जी है? ओके पटेल, मेरे को फेवरेट नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है सब्जी, पर लेकिन टेस्ट करते हैं पटेल, ये मेरा पसंद है मटन। मटन ठीक है, हाँ चलो ट्राई करते हैं। हाँ ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल, हाँ द टू डी फैमिली, TWWDI 2D फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, सब चीज़ ट्राई करनी चाहिए, पहले दाल ट्रेडिशनल कैसा है, पहले गिराओ फिर घुमाओ, ये घुमाओ उसको, देन लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट।
মগে জল নেই মগে আলু চচ্চড়ি কোসুন 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 ये आलू भुजिया और ये भुजुरी इज द बेस्ट इन कंटिन्यूस नाउ आई विल ट्राई द पटल सब्जी आती ना था वन की पास वेरी फ्लेवर्ड मैंने पटल सब्जी खाया है घर का आउटस्टैंडिंग है ये घर का खाना और आउट कर दिया है ना मासी ना तो अभी ट्राई करते हैं फिश इनका पहले ग्रेवी ट्राई करेंगे बाबा के देखो कौन सा फिश में मस्टर्ड है एंड गुड लास्ट ये देखो अभी इसको तोड़ते हैं हम लोग को सी दिस ब्रिंग इट क्लोज ये देख देखा इतना टेंडर है मेरा फेवरेट है मटन मटन ये देखो देख रहे हैं मटन पूरा गिर रहा है तुम स्लिप मटन इज जस्ट फॉलिंग आउट ऑफ द बोन इट्स सो टेंडर लुक एट दिस You just pull it out and the bone is out. See this? The bone is out. Mutton is fully flavored. वाकई में जो ज़्यादा बोले हैं इनका मटन ट्राई कीजिए सही में सबसे बेस्ट अभी तक का मेरे को लगा क्या बोलते उसको मटन पापड़ भी आ गया मटन इज एकदम दारुण वेरी गुड मटन इज गुड है मटन इज वेरी गुड इनका मटन ग्रेवी ऑलरेडी इतना फ्लेवर्ड है मटन है भी नहीं चलेगा लेकिन इसका ग्रेवी इतना फ्लेवर है ऑलरेडी मटन का ग्रेवी मैं ख़त्म करता हूँ खाना तब तक उसके बाद मिलते हैं आपसे कल इतना रश है यहाँ पर दोनों तरफ इनका रश है वेज में भी रश है नॉन वेज में भी रश है दादू एकदम दारुण दादू एकदम दारुण खूब भालो আপনারা বলবেন কাস্টমার যদি বলে তো তবে নিশ্চয় খুব ভালো মটন তো তো 100% লাজবাব 100% রান্না কিরকম হয়েছে হ্যাঁ দাদা রান্না কিরকম হয়েছে দাদা মটন তো আউটস্ট্যান্ডিং আপকা আর আপকা ও আলু ঝুরঝুরি না আলু ভুজিয়া ও বহুত আচ্ছা থা আলু ভাজা নয় তো না ওরে ভাত ছিল কি এটা আপনি চিকেন থেকে আসছেন ঠিক আছে আরে চিকেন ভাত হচ্ছে আপনার 90 টাকা ঠিক আছে চিকেন থাকবে একটা আলু থাকবে ডাল ভাত সবজি সব কিছু দিয়ে আপনার 90 টাকা আহ ভেরি গুড মটন হচ্ছে 130 টাকা সেটা কিনে বুধবার শুক্রবার পাবেন
আচ্ছা ওটা কি 150 টাকা ডাল ভাত সবজি সব কিছু দিয়ে 150 আচ্ছা কবে আসবেন এইবার কাতলা মাছ 80 টাকা পার প্লেট সব কিছু দিয়ে 80 টাকা আচ্ছা আর চারা মাছ তেলাপিয়া ভোলা ওটা যে 70 টাকা পাবদা ভাত আলু ভাজা থাকবে সবজি থাকবে ডাল থাকবে খুব দারুণ খুব দারুণ তো গাইস अभी बहुत ही मज़ा आया खाने का ठीक है नॉन वेज इनका बाकी में बहुत ही पसंद था मज़ा आया क्योंकि इनका जो टेस्ट है मटन का एकदम स्पेशल बनता है और फुल ऑफ फ्लेवर होता है उसमें गरम मसाला का फ्लेवर आता है लेकिन एकदम अलग से हट के है फ्रॉम द अलग दूसरा जो मटन का जो टेस्ट आप करते हैं होटल में खास करके वो स्ट्रीट फूड तो ये है आपका डेकेज लेन और खाना ख़त्म हो गया है इंजॉय कर लिया मैंने पटल था सब चीज़ था अगर मटन और चावल लेते तो 170 आता 150 आता उसका 150 मटन और चावल लेंगे तो या तो आपको अगर आप लेंगे मान लो कि मटन लिए फिश ले लिए उसमें आपको अलग से वेजिटेबल मिल जाएगा आलू झुरझुर मिल जाएगा सब थाली आपको इंक्लूड है उस पर ठीक दादा थैंक यू वेरी मच ठीक है मिलते हैं आप ठीक दादा नमस्ते आज भी हाँ चलो ये देखो दादा का डॉग ये आपका था उस तरफ से आएंगे तो आपका आएगा नॉन वेज ठीक है नॉन वेज वहाँ से सीधा आएंगे आप ये आपका आ गया वेज वेज का शॉप ये आपका वेज का शॉप आ गया ओफ बहुत मज़ा आया दादा রিভিউ নাও আমাদের কাছ থেকে রিভিউ না যারা খাচ্ছে তাদের কাছ থেকে রিভিউ নাও আমাকে কি আমি কি ভালো বলবো নাকি আমি বহুত মজা আয়া দাদা আপনি ট্রাই কিয়া মটন সহি মে বাকি মে ফুল ফ্লেভার দিদি আপ খায়ে কিয়া अच्छा लगा आपको पसंद आया हा? बहुत पसंद आया आपको मटन आपको तो आउटस्टैंडिंग है क्योंकि मैं मटन का फैन हूँ मैं बहुत पसंद खाता हूँ अच्छा, अच्छा। आपका वेज और नॉन वेज दोनों ही नंबर वन है थैंक यू सो मच हाँ इनका ऑफकोर्स इन्हीं का आशीर्वाद और कुछ नहीं और मामी का आपका है तो मम्मी तो है ठीक है दादा थैंक यू वेरी मच फिर आएंगे दोस्तों के साथ ले आएंगे फ्रेंड्स को लेकर आएंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू दादा सर एवरीबडी इज बिजी ईटिंग आइए यहाँ पर इनके साथ यहाँ पर आइए विजिट कीजिए इनका इनका जो तरीका है बात करने का बहुत अच्छा है देखो पूरा भगवान का जो लगाते हैं आप फोटो हाँ वही मैन बेट होल्ड 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 गिव मी योर चैनल नेम माय चैनल नेम इज़ द ट्वीडी फैमिली सो गाइस वी हैव अनदर ब्लॉगर वी हैव टू ब्लॉगर्स नाउ ये अभी आज आने वाला सामने अच्छा बजे आ जाएगा फूडी सुमन लंच हो गया तो पसंद आया लंच तो अभी घर चलते हैं हम लोग बहुत ही पसंद आया ठीक है इनका वेज और इन जो जय माता का जो नॉन वेज दोनों सही टेस्ट है आ गया मेरा गाड़ी भी वहाँ पे देखो मेरा गाड़ी भी इधर है मैंने स्टिकर भी लगा दें यहाँ पर ऑलरेडी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पर ऐसे ही प्यार देते रहिए सब्सक्राइब करते रहिए आपका जो कमेंट्स मेरे को बहुत पसंद आ रहा है अभी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो If it's negative, positive, no problem. I'm open to all. Keep sharing it with your thoughts, your comments, and share if I should visit any other places. आपको पसंद आया? मैंने एक वहाँ पर एक लिंक भेजा है वहाँ पर कि what video should I do? तो इसमें आप एक बार देख लीजिए. मैंने एक शॉर्ट भेजा उसमें एक वीडियो में क्लिप में मेरे चैनल में कि क्या क्या वीडियो हमको करने चाहिए. तो उसमें आप एक बार जाके आप उसको क्लिक करके बताइए. आप वोट कीजिए कौन सा हमको वीडियो बनाना चाहिए. उसमें आप put your remarks on that. So guys, मिलते हैं. Bye bye. Take care. Bye.